आपका धन्यवाद एक बार आइए सर। मेहमानों का स्वागत है। मैं हरपाल सिंह और भाई साहब जो है उनके पास ही रहता हूँ। बिजनेस है मैं 82-83 से मैं हूँ। मेट्रिक का बिजनेस है दिल्ली में 15-22 यूनिट चल रही है। इस बार बिजनेस के लिए मैं हरियाणा में जो है ये हमारा काम है। बाकी यही मैंने कभी मैं बात कर रहा था क्योंकि बिल्कुल नए नए मैं गवर्नमेंट में कहा था बिजनेस जो था मैंने बच्चों को यही बिना सोचे समझे और बिना इसके किसी समझदार को आप जैसे वैसे कोई समझदार आदमी का डिटेल गाइडेंस के बाद मैं पैर रखा वही बात की भैया तीन चीज़ मैंने बताई तीन बात छोड़ी थी भाई कि भाई तीन ही चीज़ मेरे दिमाग में है वो है सबसे बड़ी कि आप सबसे पहले जो है बंसी वाले को हमेशा याद रखिए। दूसरे नंबर पर आप ईमानदारी को कभी ना छोड़ना कहीं बहुत प्रॉफिट भी दिखाई देगा पीछे और आए और रास्ते वो मिले बहुत मोटे मोटे ट्रिपल ट्रिपल और पता नहीं किस किस के ये काम करते हैं। और दूसरा अपना जैसा अभी ये यादव बंधु जो है ये सारे सारे ग्वाले के ग्वाले रहकर यहाँ तक पहुँच रहे धीरे धीरे कि भाई अपनी मेहनत और उससे पीछे नहीं हटना ये तीन पॉइंट लेकर के यहाँ तक चले थे। और सब आप सबका बंसी वाले का महाराज का सहयोग रहा कि 82-83 से हम देखा इसी में है तो काम करते करते यहाँ तक आ गए। बच्चे हैं दोनों दो बेटे हैं एक बेटा यहाँ आया है दोनों डी यू से पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो मतलब कहने का ये है कोई कोई बिजनेस की बात ऐसी नहीं है। हम सच्चाई ईमानदारी मेहनत को लेकर चलते हैं किसी भी बात को ये जरूर है किस चीज़ को पकड़ना छोड़ने की सोचो ही मत एक को सोच के समझ के कदम रख लो कदम कोई तरह से करी रहा था काम को जिस काम को हम कर रहे हैं कि यार ये तो नहीं लगा ये क्यों नहीं लगे अच्छा कोई तो कर रहा है वो करना तो मैं क्यों नहीं करना मेरे में कोई इतनी कमी हो गई तो ये पॉइंट थे छोटे छोटे ये ले करके उतरे थे। और मंत्री वाले की बड़ी कृपा रही है बहुत अच्छे जिस काम को लेकर भाजी मुझे इतने साल हो गए कि हम अपनी लाइन में जहाँ है उसमें हमें उसकी कृपा है मंत्री वाले की अच्छी तरह लोग पहचानते हैं। हेमचंद जी भाई साहब को सम्मान करेंगे। थैंक यू भाई साहब धन्यवाद। थैंक यू सर। जितेंद्र यादव जी आई एम ग्रेस